बालको की ओर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कामधेनु तिराहे का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस कार्य का शिलान्यास राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश जी ने किया। उन्होंने बालको को प्रगति का आशीर्वाद देते हुए प्रबंधन के प्रयासों और सहयोग की सराहना की। श्री कमल मुनि ने बालको के सहयोग से कामधेनु चौक के निर्माण को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। बालको प्रबंधन के सहयोग से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जेल रोड बाईपास मार्ग पर कामधेनु तिराहे का निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास राष्ट्रसंत श्री कमल मुनि कमलेश ने किया। तिराहे का शिलान्यास कर राष्ट्रसंत श्री कमल मुनि ने बालको प्रबंधन के प्रयासों व सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि पशुधन सबसे बड़ा धन है और इसका संसार में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री कमल मुनि ने पशुधन संरक्षण पर भी जोर दिया। बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी बैद ने कहा कि बालको प्रबंधन पशुधन सुधार व संवर्धन के अलावा धरती को हरा भरा बनाने और सामुदायिक विकास कार्यों के प्रति दृढ़ संकल्प है। मुनि कमलेश जी की प्रेरणा से आज ये जो कार्य भूमि पूजन का कामधेनु चौक कामधेनु तिराहा होने जा रहा है, इसमें बालकों को शरीक होने का जो एक अवसर मिला, ये सबके लिए सर्वप्रथम मैं मुनि कमलेश जी के चरणों में वंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा। बालकों, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों में जब से वहां पे प्रबंधन का बदलाव आया है, लगातार कोशिश चल रही है, क्योंकि ये करीब करीब उसी समय हुआ जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रगति में बालको एक पार्टनर रहे और उसी के माध्यम से राष्ट्र के प्रगति में आज मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कोरबा आकर के देखें बालकों का एक स्वरूप जो पहले से पिछले 5 साल से करीब 3.5 गुना बढ़ा है और एक वहां पे सोच चल रही है कि क्यों ना इस छत्तीसगढ़ की इस कोरबा की भूमि पर जो संयंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र बने। इसी तरह से एक जो और सोच हमारे ग्रुप की हमेशा रही है कि प्रगति हर क्षेत्र में हो और एक उसी के माध्यम से हम लोग न केवल उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार, लोगों को और काम जो आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे सामुदायिक कार्य उनके अंदर हम लोग भाग ले रहे हैं। जैसे इस वर्ष हम लोगों ने बायोडीजल के लिए जगोहा का 10 लाख का प्लांटेशन किया है, उसी तरीके से ये जो कामधेनु की जो भारत साहब की जो सोच है इसको इसके माध्यम से सर्वांगीण विकास कैसे हो, उसके लिए एक और प्रोजेक्ट चालू किया है कि किस तरह से पशुपालन में सुधार होकर के और पशुओं की गायों की तादाद बढ़े, उससे निश्चय ही जो एक हमारी सदियों पहले से संस्कृति और परंपरा रही है वो तो आगे बढ़ेगी ही,
इससे पूरा सर्वांगीण विकास हो सकता है।